दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप भी गूगल पे की एप्लीकेशन यूज करते हैं और आप अपने गूगल पे की एप्लीकेशन में फिंगरप्रिंट लॉक एनेबल करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। नॉर्मली आपको पता है कि जब हम गूगल पे की एप्लीकेशन में अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें अगर लॉक को हम एनेबल कर देते हैं अंदर सेटिंग में जाके, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा गूगल का जो 4 डिजिट का पिन होता है वही हमारी गूगल पे की एप्लीकेशन पर वर्क करता है, लेकिन वहाँ पर हमारा फिंगरप्रिंट लॉक वर्क नहीं करता है। कि आपने ऐसा भी देखा होगा कि आपने अपने फोन की स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट लॉक लगाया हुआ होता है लेकिन आपकी गूगल पे की एप्लीकेशन पर वो वर्क नहीं करता। तो इस वीडियो में आप लोगों इसी बारे में डिटेल से बताने वालों कि अगर आप भी अपने गूगल पे की एप्लीकेशन पे फिंगरप्रिंट लॉक को एनेबल करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर आपको बेल आइकन पर प्रेस करना और यहाँ पर ऑल को सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो लाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि अगर आप अपने गूगल पे की एप्लीकेशन पर फिंगरप्रिंट लॉक को एनेबल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने फोन की स्क्रीन पर भी फिंगरप्रिंट लॉक को एनेबल करना होगा। अगर आपने अपने फोन की स्क्रीन पे पिन लॉक लगा रखा है तो फिर आपको वहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक नहीं लगेगा, वहाँ पर भी आप पिन लॉक को यूज कर पाएंगे। अगर आपने पैटर्न लॉक लगा रखा है तो आपके गूगल पे की एप्लीकेशन में पैटर्न लॉक ही वर्क करेगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग में मैं दिखा देता हूँ कि मैंने इसको एनेबल किया हुआ, मैं यहाँ पे जाऊँगा। इसके बाद चलिए मैं चला जाता हूँ मैं पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में और यहाँ पे आप देखेंगे मेरा फिंगरप्रिंट लॉक यहाँ पे मैंने एनेबल किया हुआ है। यानी कि अगर आप फिंगरप्रिंट लॉक को अपने गूगल पे की एप्लीकेशन में एनेबल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने फोन में फिंगरप्रिंट लॉक को एनेबल करना होगा। अब इसके बाद आपको करना है कि आपको अपने गूगल पे की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं अपने गूगल पे की एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। अब गूगल पे की एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको करना क्या दोस्तों कि आपको ऊपर की साइड आपका जो प्रोफाइल पिक्चर देखने को मिलता है आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करना है। प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करने के बाद नीचे की साइड आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सिंपली सेटिंग्स पर चले जाना है। अब सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि तीसरे नंबर पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिला प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का, आपको इसको ओपन कर लेना है। अब इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अगेन कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एनेबल ऐप लॉक जो कि मैंने यहाँ पे एनेबल किया हुआ है, और नीचे आपको एक लिंक मिलेगा मैनेज योर ऐप लॉक, आपको इस पे टैप करना है। अब इस पे टैप करेंगे तो फर्स्ट टाइम जब आप इसमें आएंगे तो आपका ये वाला सिलेक्ट होगा यूज 4 डिजिट गूगल पिन। अगर आपका ये सिलेक्ट होगा तो भले ही आपने अपनी फोन की स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा रखा हो, लेकिन अगर आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया हुआ है तो बाई डिफॉल्ट आपका ये सिलेक्ट रहता तो गूगल पे में फिंगरप्रिंट लॉक वर्क नहीं करेगा। इसलिए आपको करना क्या होगा कि आपको सबसे पहले तो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट लॉक को एनेबल कर लेना है, उसके बाद इस ऑप्शन में आना है और यहां से फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेना है। तो इसमें आप देख सकते हैं यूज योर स्क्रीन लॉक, यानी कि आपके फोन की स्क्रीन पे आपने जो भी लॉक लगा रखा है उसी लॉक को आप अपने गूगल पे की एप्लीकेशन में भी यूज करना चाहते हैं। यानी कि अगर वहां पे आपने पिन लॉक लगा रखा होगा तो उसी पिन से आपकी एप्लीकेशन ओपन होगी, अगर वहां पे आपने पैटर्न लगा रखा होगा तो यहां पे भी आपके पैटर्न लॉक ही वर्क करेगा, और अगर आपने वहां पे फिंगरप्रिंट लॉक एनेबल कर रखा है अपने मोबाइल की स्क्रीन पे तो यहां भी आपका फिंगरप्रिंट भी वर्क करने वाला है। इसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू के बटन पर टैप कर देना है। बस दोस्तों आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि मैं यहाँ से इसको रिसेंट टैप से हटा देता हूँ और अब मैं आपको गूगल पे के एप्लीकेशन को ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गूगल पे के एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर लॉक मुझसे मांग लिया और जैसे मैं अपनी फिंगर को टच करूंगा मेरे गूगल पे की एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आप भी अपनी गूगल पे की एप्लीकेशन में फिंगरप्रिंट लॉक को एनेबल करना चाहते हैं यानी कि ऐड करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।